रविवार दोपहर को जब हादसा हुआ जिसमें कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की दुखद मौत हो गई, वो ये जगह है और यहाँ पर जो है कि ये राहुल वर्कशॉप है। दरअसल इसी जगह पर ये सूर्या नदी का पुल है और इस सूर्या नदी के पुल के पास ही वहाँ पर जाकर उनकी कार जो है कि टकरा गई थी। तो जो ये राहुल वर्कशॉप में काम करते हैं वो जो है इन्होंने उस हादसे को देखा, मतलब तुरंत वो यहाँ पर चूंकि मौजूद थे, जैसे आवाज़ आई होगी वैसे यहाँ पे पहुँचे। क्या नाम है आपका? इसमत राजा पाचलकर। इसमत, ये बताइए कि आप कहाँ थे उस समय? मैं दुकान पे था, काम कर रहा था। हाँ। जैसे आवाज़ आया वैसे जाके देखा तो गाड़ी ठोक दिया था ब्रिज के डिवाइडर को। ये जो सामने वाला जो आगे चलते हैं थोड़ा सा हमको आप दिखा सकें कि कहाँ पर गाड़ी ने टक्कर दी थी? डिवाइडर को, ब्रिज के यहाँ से होते हुए। यहाँ से। अच्छा, तो उसमें कौन था, कितने लोग बैठे थे? आदमी थे। दो, मतलब दो आदमी पीछे के बेहोश पड़े थे, उसको जान नहीं था लगता। अच्छा, और आगे के उसको होश था। अच्छा, तो आप लोग ने क्या किया मदद में? मदद में हम तीन आदमी थे पहले, बाद में आदमी आए इधर उधर से, तो बाद में निकालने को लिए। अभी तक फोन किया आदमी लोगों ने, फोन किया जैसे आदमी लोग आए एम्बुलेंस आ गई और बाद में निकालने को लिए, दो पीछे वाले निकाले एम्बुलेंस में डाले और लेके गए। पीछे के जो थे लगभग बेहोश थे, उनको होश थे। आगे जो महिला चला रही थी वो मतलब होश था उनको। अच्छा। जान थे, बाद में वो फंसे थे। हाँ। निकालने को लिए तो सीट। हाँ। पीछे वाली सीट खींच लिए। हाँ। जब ही निकाला दोनों भी आगे। कौन, आप लोगों ने निकाला कि पुलिस आ गई? वाले जब एम्बुलेंस वाले टोल नाके के एम्बुलेंस आई। अच्छा, उनको किसने बुलाया? फोन किया आदमी लोगों ने। अच्छा, यहाँ के लोगों ने फोन किया, उनको निकाला गया। निकाला अभी। तो जो एक एयर बैग होती है पता होगा आपको, एयर बैग। हाँ। वो खुली हुई थी आगे की? नहीं, आगे वाले सीट बेल्ट लगाया था। अच्छा, आगे वाले ने, पीछे वाले ने नहीं लगाया। तो आगे जब वो टकराई तो आपने देखा होगा सफेद सा खुल गया होगा एकदम, जो थैली जैसा बैग जैसा आ जाता है एयर बैग जिसको कहते हैं, वो आगे खुला हुआ था? नहीं, बाद में खुला हुआ था। पीछे का? पीछे का नहीं खुला, पीछे का नहीं खुला। लेकिन आप लोगों ने देखा पीछे का सीट बेल्ट नहीं लगाया? नहीं लगाया, नहीं लगाया, आगे वाले ने लगाया था। तो पुलिस, फिर उसके बाद पुलिस आ गई? हाँ, उसके बाद पुलिस आए और फिर सबको अस्पताल ले जाया गया। तो पहले जो पहुंचे वो आप लोग ही पहुंचे यहाँ पर? हाँ। और टोल वाले आए और उन्होंने निकाला सब कुछ? क्या, हम तीन आदमी थे जब तक नहीं हाथ लगाया। अच्छा, बाद में इधर उधर से आदमी आए जब हाथ लगाया गाड़ी को। तो गाड़ी की स्पीड रही होगी? ऐसा स्पीड में 30-40 पे, 130-140 पे स्पीड में होगी। अच्छा, कैसे आपको किसी अंदाजा क्यों कि इतनी स्पीड होगी? कैसे कैसे इतने जोर से आके टक्कर मारी इसके समझ भी आ गया। ट्रैफिक नहीं थी उस समय? ट्रैफिक नहीं थी ज़्यादा, बारिश थी। आगे गाड़ी थी लंबी। अच्छा, पीछे भी लंबी थी। बारिश थी क्या उस समय? बारिश नहीं थी, बारिश भी नहीं थी और दिन का भी समय था, तो दिखने में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नहीं, यहाँ पहले भी ऐसे एक्सीडेंट होते रहे? हाँ, होते रहते हैं। अच्छा, ये ब्रिज के वजह से होता है, उधर रास्ता तीन है और इधर रास्ता दो ही है, इसके वजह से। यहाँ काम करते हो? मैं इधर, मेरा घर ही इधर है बाजू। अच्छा। हाँ। तो अब तक कितने एक्सीडेंट आपने देखे होंगे इस तरह? मतलब साल में 3-4 तो होते हैं। तो यहाँ पे हो जाए? हाँ। ये वही है, तीन लेन है और आगे दो लेन हो जाती है इसकी। हाँ। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अभी, हाँ, पुलिस भी आई थी आपका बयान लेने के लिए? हाँ, ले आई थी। क्या पूछा उन्होंने? पूछा कैसा हुआ गया? अच्छा, आपने बता दिया? बता दिया।